वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश किचन। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो बहुत ही इंस्टेंट बनेगी। हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बनाएंगे, जो हमें थोड़ा फ्राई करके या फ्रिज में रखना हो तो वैसा नहीं बनाएंगे, हम इसे तुरंत तुरंत बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने बनाना। मैंने लिए है 2 आलू, अगर आपके पास बड़े आलू हो तो सबसे बेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने दोनों आलू को छील लिए है, अब मैं इसे काट लूँगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको यहाँ से काट लेते हैं ताकि हमारे जो आलू है आराम से इसमें आ जाए, और उसके बाद इसे थोड़ा मीडियम थिक रखें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा भी मोटा भी ना रखें। और इसको ऐसे ही काट लेंगे पहले हम गोल गोल में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी है। अब हम इसे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेंगे। आलू कटते जाएंगे, मैंने लिया है एक बोल में ठंडा पानी। हमें तुरंत इसे ठंडे पानी में डालते जाना है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। और सारे आलू को हम ऐसे ही काट लेंगे और हम फटाफट से इसे ठंडे पानी में डालते जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरा आलू भी काट लूंगी। फटाफट से डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को डाल दिया ठंडे पानी में। बस 5 मिनट के लिए इस पानी में ठंडे में इसे छोड़ दीजिए, और फिर हम इसे हल्का सा 2 से 3 बार धो लेंगे, और धो के इसे हल्का सा बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, धोने के बाद मैंने इसे क्या करना है, थोड़ा सा मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और इस गर्म पानी में जो मैंने फ्रेंच फ्राइज काट के रखी थी उसे डाल देंगे, और बस 2 मिनट के लिए इसमें इसे रख देंगे और फिर हम निकाल लेंगे। मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और हम इसे एक्सटीरियर में छान लेंगे। इन बॉइल्ड आलूज को हम छान लेंगे, और छानने के बाद मैं इसे कपड़े पे डाल के सुखा लूँगी। डाल लेती हूँ, आप चाहे तो टिश्यू पेपर से भी ले सकते हैं या फिर कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए और इसे यहाँ पर ड्राई कर लीजिए हल्के से। और इसे 5 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए ताकि इसका पानी सूख जाए। 5 मिनट रखने के बाद ये ड्राई हो गया, इसे मैं एक बोल में डाल दूंगी। हल्के हाथों से उठा के डालें ताकि ये टूटे ना। आलू मैंने ट्रांसफ़र कर लिए बोल में, अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर है, ये इसे क्रिस्पी बनाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा और नमक, क्योंकि मैंने इसे बॉईल करने में भी नमक डाला था, और थोड़ा सा इसे अच्छा सा क्रिस्पी देने, वो थोड़ा सा शार्प टेस्ट देने के लिए मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च की पाउडर। बस और क्या, अब कुछ नहीं डालना, इसे अच्छे से कोट कर लेना है सब पर, क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो हम अगर कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो एक बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा। इसे डालने के बाद 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सोख कर ले। तब तक मैं रख देती हूँ कढ़ाई तेल गरम करने के लिए। मैंने तेज आंच कर, मीडियम हमें आंच पे इसे सेकना है, तो मैंने आंच चला दिया है कि थोड़ा ये गरम हो जाए तेल। आलू ने अच्छे से कोट कर लिया है कॉर्नफ्लावर को, और हमारा तेल भी अब गर्म हो गया है, तो हम इसे एक एक करके आलू को डाल देंगे।
मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज को डाल दिया है और इसे हम बिल्कुल क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। फ्रेंड्स अब मैंने कर दिया आंच को बिल्कुल तेज़, क्योंकि तेल गर्म हो गया है और हम इसे और पर अभी सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कम से कम इसे 7 से 8 मिनट तक ऐसी तेज़ आंच पर सेक लिया और इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया और बिल्कुल भी कम टाइम में, और ये बिल्कुल बन के रेडी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसे और डार्क कर लें, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्रिस्पी हो गया, इसमें से आवाज़ आ रही है खन खन की। तो चलिए निकाल लेते हैं अब इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंच फ्राइज बन के रेडी है। इसे मैं निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर पर, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसे सोक कर ले। देखिए इसमें से आवाज़ भी कितनी आ रही है, अच्छी क्रिस्पी हो गए हैं ये। और बाकी बची जो फ्रेंच फ्राइज़ है उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया और ये बनके रेडी है। फ्रेंड्स हमारी इंस्टेंट सी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक ऐसी नई रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।